स्वागत है गाइज आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ कार सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग पे। तो गाइज बहुत ही बेहतरीन बैटल, मेरे को एक्चुअली बेहतरीन नहीं, मेरे लिए कुछ अजीब हुआ यहाँ पर, आप लोग देखना ठीक है। हम लोग इस बंदे के अगेंस्ट है और ये जून का वर्ल्ड चैम्पियन था ठीक है ये बंदा। अब टीम देखो, ये वर्ल्ड चैम्पियन था, 4500 से ज़्यादा पॉइंट्स थे और हम लोग इसके अगेंस्ट है। और ये बंदा मेरे पर रॉयल बैटल पता नहीं क्यों अटैक करता रहता है। तो फाइनली मेरे को ये पहली बार जुलाई के फर्स्ट डे पे मिला बैटल में। तो देखते हैं गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं। सामने है डार्क राय, तो ये ऑब्वियसली तेज़ होगा, तो मैं यहाँ पर जी मूव लगा देता हूँ ठीक है। मैं स्लो मोशन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है तो आप ये देखना ठीक है। लिटरली मेरा ऑफ शूट गेंगार एक डार्क राय से ज़्यादा तेज़ है, एच पी वाला गेंगार एक डार्क राय से ज़्यादा तेज़ निकला गाइज, एक्सपेक्टेड नहीं था ठीक है। मेरे को लगा टॉन्ट आएगा पर उधर से डार्क बोर्ड आया, पर भाई मेरा काम हो चुका है। बेचारा हमारा स्नोरलैक्स, उसका यहाँ पर काम रहा नहीं, पर गेंगार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया गाइस। लिटरली मेरा एक ऑफशूट गेंगार एचपी वाला इतना ज़्यादा तेज़ निकला भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा स्पीड इसके पास होगा। और मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव बनाया पर स्पीड भी दिया है, पर इतना अच्छा स्पीड पता नहीं एकदम से हमारे मैक्सिमम पोकेमॉन्स का स्पीड इंक्रीज़ हो गया, चाहे मोबाइल का हो या इसका हो। टरानोटोर का भी इंक्रीज़ हुआ है, पर उसके पास एक्साइटेड पावर होल्ड आइटम है तो स्पीड उसका और ज़्यादा अच्छा हो गया, और ज़्यादा बेहतर निखर गया है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिशर यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज मैं बस यही वेट कर रहा था कि फिशर हिट हो जाए, क्योंकि गेंगार सामने और मैं चाहता हूँ कि गेंगार ख़त्म हो जाए। बेसिकली गेंगार मैं किसी और पोकेमॉन से भी ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्नोलैक्स ही ख़त्म कर दे ठीक है। मैं नहीं चाहता कि गेम लंबा चले, क्योंकि मैंने देख लिया मेरा गेंगार ज़्यादा तेज़ है, तो शायद ये बंदा ज़्यादा तेज़ है नहीं या फिर स्ट्रॉन्ग है नहीं, या फिर होगा भी तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले या फिर ज़्यादा तेज़ निकले। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ गाइस मेरे गेंगार से, इतना ज़्यादा तेज़ मैंने कभी मेरे को कभी लगा नहीं था ठीक है। और फिशर हिट हुआ और उसका डेस्टिनी बॉन्ड भी, और हमारा खेल ख़त्म उसका भी ठीक है, उसका गेंगार गया। पर मेरी टीम में ऐसा कोई स्टेलर पोकेमॉन था भी नहीं अदर देन स्नोलैक्स जो उसे रुकता या फिर मारा जाता, बाकी सब संभाल ही लेंगे, बाकी सब हमारे अटैकिंग है। उसकी टीम में चार स्टेटस टाइप पोकेमॉन थे अदर देन पालकिया और एक वो इलेक्ट्रिक वाले पोकेमॉन, बाकी सारे स्टेटस टाइप यूज़र मतलब स्टेटस टाइप पोकेमॉन्स। हम लोग सबसे पहले गेंगार लेके आते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्लिप पे है, तो मेरे को लगा इधर डार्क बोर्ड आएगा, तो एक टर्न वेस्ट भी हो गया और पॉइजन का इफेक्ट थोड़ा पड़ भी गया। अब मैं वापस लेके आता हूँ स्वॉम्पफर्ड, क्योंकि स्वॉम्पफर्ड पे लेफ्टओवर्स है तो ऐसे तो मारने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। एक फिशर स्लैश अगर नहीं भी लगता है, अगर लग भी जाए ठीक है, उसका डार्क बोर्ड नहीं लगा और ये हो गया। अगर फिशर स्लैश नहीं लगता, हम लोग स्लिप में भी होते तब भी वो मर ही जाता, मतलब स्वॉम्पफर्ड को मारने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता। अगर नाइटमेयर भी हो तब भी तीन चार टर्न लग ही जाते हैं, तीन नहीं चार पांच टर्न लग जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट ओवर्स वाला है और एचपी भी ठीक ठाक है। हम लेके आ चुके हैं अपने मोबाइल को, मेरे को लगा पालकिया आएगा पर ये वाला है। एक जी मूव, देखते हैं कौन तेज़ है। यहाँ भी मैं ही निकला भाई, लिटरली पता नहीं क्या हुआ एकदम से हमारा स्पीड इंक्रीज़ हो चुका है और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लिटरली मेरा गेंगार बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मोबाइल का स्पीड भी इंक्रीज़ हो चुका है, इसीलिए कहीं मेरे को लग रहा है कि शायद मैंने रॉक टूम वगैरह डाला या फिर शायद मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए जीरिम्स में, क्योंकि आखिरी बार मैंने शायद रॉयल बैटल खेला था उसके बाद मैंने जीरिम्स पे हाथ डाला नहीं है, तो हो सकता है स्पीड वाला डाल दिया हो या फिर कुछ और। पर लिटरली एच पी भी तो उतना ही है, ज़्यादा कम हुआ नहीं है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्पीड था गेंगार का। मेरा पूरे वीडियो में एक स्पेशल मोमेंट था गाइज, मैं आपको फिर से वो स्लो मोशन में दिखाता हूँ ये वाला ठीक है। इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा ना गेंगार, इतना ज़्यादा तेज़ निकला, ख़त्म एक डार्क राय से ज़्यादा तेज़ निकला। अभी मैं आपको रॉयल बैटल दिखाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि जो बंदा हमारे साथ वर्ल्ड लीग में मैचअप हुआ अभी, जिसके बारे में हम लोग दिखा रहे थे यूवी डार्क, मतलब यूवी कुछ डार्क वॉर था या फिर डार्क राय था, तो वो हम आपको यहाँ पर रॉयल बैटल में भी दिखाएंगे ठीक है। रॉयल बैटल में सबसे पहले हमारे साइड में एक पालकिया यूज़र है इमॉर्टल नाम का, तो मैं उसी पर अटैक करता हूँ, होप हमारा स्पीड ज़्यादा हो। तो मैं एक बार जी मूव लगाता हूँ उस पर, सबसे पहले सॉरी गाइस मैं ड्रैगन डांस कर लेता हूँ, ये मेरे को लगा नहीं था कि मेरे साथ, मेरे को लगा कि ये मेरे साथ तेज़ होगा, पर यहाँ भी हम तेज़ निकले ठीक है। तो मैं एक जीम वो भी लगा देता हूँ, होप वो लुकारियो ना लेके आए, मैं बस यही प्रे कर रहा था कि लुकारियो ना आए, फोर कोर्ट होता है तो भाई लंबा टिक जाएगा ठीक है, तो मैं बस वही चाहता कि वो ना आए। और लगा देते हैं जीम वो, अगर हिट हुआ तो पालकिया डेड है ठीक है, बदल दिया गया, ये कंपलसरी होता है। और ये पड़ा जी मूव और कोई ये बंदा एक दूसरा प्लेयर भाग गया, कोई नहीं ठीक है। हम लोग दूसरा रॉयल बैटल दिखाते हैं जो अभी हम लोग से वर्ल्ड लीग में मैचअप हुआ था,
वो बंदा हमें यहाँ मैच, बंदे से मतलब निपटने के लिए मैंने स्पेशली रॉयल बैटल में स्नोरलेक्स लेके आया हूँ, ठीक है। मैं कभी भी रॉयल बैटल में बहुत कम स्नोरलेक्स लेके आता हूँ, जब मेरे को डार्क यूजर्स को काउंटर करना होता है तभी, और इससे मैच बहुत बोरिंग हो जाता है लिटरली। रॉयल बैटल में स्नो मतलब डार्क राय और स्नोरलेक्स अच्छा नहीं होता। स्टेलर पोकेमॉन कोई किल पोकेमॉन्स लेके आओ, जल्दी मारो जल्दी मारो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, पर इस तरीके से मज़ा नहीं आता, किड़गड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ स्नोरलेक्स। अब मेरे लिए डर भी था कि साइड में फायर हेरोक्रॉस था पर उसका जी मूव वेस्ट हो गया, अब वो ऐसे नहीं मार पाएगा। मेरे को लगा क्या पता वो फायर हेरोक्रॉस मेरे पर अटैक कर दिखेगा, चार गुना ज़्यादा कमज़ोर स्नोरलेक्स है तो इसी को मार देगा, पर उसने मोबाइल को मारा, ठीक है। अब ये भी अच्छा था, मेरे को ज़्यादा फिक्र करने की बात है नहीं। और यहाँ पर डार्क है थोड़ा सा खतरे में था, मैंने जी मूव लगा दिया था और वो बदल के लेके आता है अपना ब्लास्टॉइज, उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था, ठीक है। अब ब्लास्टॉइज का फिशर भी होता है पर इसका लेवल हमसे थोड़ा कम है, तो उस वक्त कम था ये, शायद 30 जून या फिर 29 जून का था ये बैटल, रॉयल बैटल। मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा था कि कभी अगर मेरे से वर्ल्डिंग में मैचअप होता है तब एक बार बैटल करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। अब मैं टरानोटोर लेके आता हूँ, लगाते हैं जीमो। ब्लास्टॉइज ने रेस्ट इस्तेमाल कर लिया, हमें मौका ही नहीं मिला मूव यूज़ करने का, अब हम यूज़ कर पाएंगे। ब्लास्टॉइज गाइस बेसिकली बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन होता है, इसके बाद रैपिड स्पिन होता है और विड्रॉल भी होता है डिफेंस इंक्रीज करने के लिए, काउंटर भी होता है। बेस्ट मूव सेट मेरे हिसाब से काउंटर होगा, रैपिड स्पिन होगा और वर्लपूल और रेस्ट, इससे आप बिल्कुल एक स्वम्पर जैसा इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो जाएगी गाइस अगर आप ट्रैप में आ जाओ गेंगार के हाथ, तो फिशर भी रख सकते हो आप लोग चाहो तो, पर शायद किसी को फिशर ना रखना पड़े, तो आप देख लो भाई आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है। ड्रैगन टेल भी होता है इसके पास, तो आप समझ सकते हो गेंगार को भी आराम से ये साइड में या फिर कोने में ढकेल सकते हैं। ड्रैगन टेल होता है तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। एक जी मूव हमने लगाया और ये दूसरा जी मूव, अगर वो पोकेमॉन बदलता है तो कोई ना कोई तो मरेगा, पालकिया मरेगा या फिर मरेगा डार्क राय। तो मैं यही इंतज़ार कर रहा था या फिर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही जाए ब्लास्टॉइज जाए, और ब्लास्टॉइज गया। अब मेरे पास नोटलेक्स है और उसके साथ साथ उसका जो डार्क राय और पालकिया है दोनों स्नोरलेक्स को मारने में शायद कहीं ना कहीं लैक करे, क्योंकि हमारे पास बाइट भी है तो पालकिया ज़्यादा खतरा रहा नहीं, ठीक है। और सामने है पालकिया, तो मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ। ये गलती थी सर, डार्क राय लेके आना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि एक अर्थक्वेक लेता पर मरता नहीं उससे वो, और मैच थोड़ा लंबा भी हो जाता, पर ये भी अच्छा है। हम लोग जी मूव लगा देते हैं मोबाइल का, देखते हैं हम पे अगर वाटर इंपैक्ट या फिर जो ऑटो मूव पड़ता है, यानी वाटर वोर्टेक्स है इसका नाम, जो पालकिया एक्स के पास होता है। लुक्स में मेरे को एक्स अच्छा लगता है कंपेयर टू वाई, वाई वाला थोड़ा डार्क टाइप है पर एक्स वाला कलर में कतई ज़्यादा दिखता है। लुक्स के हिसाब से आप एक्स को जज नहीं कर सकते। और हाल ही में पोकेमॉन चाइनीज वर्सन में एक नया पोकेमॉन आया गाइस, उसका भी लुक कतई ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे डिफाइन किया गया। तो अभी पालकिया का खेल ख़त्म, हमने उसके दो पोकेमॉन्स मार दिए, पर फिर भी उसने एक सामने वाले का पोकेमॉन मारा है तो वो कहीं ना कहीं रैंकिंग में ऊपर आ सकता है। पर मैं कोशिश करूँगा कि हम ही टॉप पे आए, मैं नहीं चाहता कि कोई और टॉप में आए, बस मैं चाहता हूँ कि जैसे तैसे मैं डार्क राय को ख़त्म कर दूँ। डार्क वार्ड आएगा मेरे को लग ही रहा था, ठीक है, अच्छा हुआ मैंने स्नोरलेक्स लेके आ चुका हूँ, और डार्क वार्ड उसका मिस हो गया। मेरे को नहीं पता इसका डार्क वार्ड कुछ ज़्यादा ही मिस हो रहे हैं, इससे पहले भी बैटल में भी आपने देखा स्वाफर्ड के अगेंस्ट मिस हुआ, यहाँ पर भी मिस हुआ, तो डार्क वार्ड कभी कभार बैकफायर करता है। मैंने इसे एक्चुअली मास्टर लीग में भी इस्तेमाल किया है, तो भाई भरोसा नहीं होता डार्क वर्ल्ड का, होता है हालांकि 80% अच्छी एक्यूरेसी होती है, इतनी भी बुरी नहीं होती, पर वो जो 20% होता है ना वो गेम चेंजिंग होता है, गलत वक्त पर पड़ जाए ना तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। अभी मेरा फिशर बार बार मिस हो रहा था और लग रहा है कहीं ना कहीं सारे के सारे बंदे उसी को टारगेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि डार्क वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है। तो कोई नहीं, मैं एक और बार फिशर यूज़ करता हूँ, अगर हिट होता है तो होता है, नहीं तो उसके बाद मर्सलैप ही लगाएंगे। फिशर पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, अगर लगता है तो लगता है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। और रॉयल बैटल का ये थोड़ा प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, अगर बंदा डार्क राय लेके उतरता है या फिर सलगेरिया लेके उतरता है या फिर लेके उतरता है कोई डिफेंसिव या फिर स्टैलिंग पोकेमॉन्स, तो भाई बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। पर मेरे को मज़ा तब आता है जब क्विक किल पोकेमॉन्स लेके उतरा जाए, जल्दी मारो मारो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। किसी को नहीं पता कौन किस पर हमला कर दे, आपका दोस्त भी आप पे बहुत बार हमले कर देते हैं, मेरे साथ बहुत बार होता है लिटरली, पर रॉयल बैटल मज़ा आता है। ऐसे फेयर तरीके से खेलो ना तो मज़ा आता है, ऐसे नहीं कि खुद ही दो अकाउंट्स के साथ लॉगिन करो और दोनों अकाउंट से किसी एक को टारगेट करो, ये गिदड़ों की फौज होती है। इससे ज़्यादा फेयर अकेले अकेले खेलो ना तब मज़ा आता है खेल में, तब पता लगता है किसके उसमें कितना पानी है, ठीक है। तो हम जीत चुके, हम लोग आ चुके टॉप में, और ये था गाइज रिजल्ट, ठीक है। तो भाई मैं दिखाना चाहता था कि एक्चुअली मेरा किंगर पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है आजकल, और ऑफ सूट एचपी यूज़र होने के बावजूद वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसने डार्क राय को ओवरटेक किया या फिर ओवर स्पीड किया,
तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लिटरली। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।